अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली फिजिक्स क्लास 11 के बेसिकली चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि हम आज से ऑनवर्ड जो बेसिकली क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 मतलब कि जितने भी कोर्सेज हैं फिजिक्स मैथ मतलब कि कॉलेज में जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उन सब का मतलब कि पूरा कोर्स को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हमने कोशिश की है कि हम फिजिक्स के कोर्स को कोशिश की है कि इसको कवर करें। तो स्टार्ट करते विद द नेम ऑफ द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको बताना चलूं कि मतलब कि जो हमारा फिजिक्स कोर्स है उसके अंदर हम जो है वो पिंडी बोर्ड एज वेल एज फेडरल बोर्ड दोनों को लेके चलेंगे और उसके अलावा जितने भी बोर्ड है जेके बोर्ड गुजरेवाला बोर्ड उन सबको हम डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? अब क्वेश्चन आता है जहन में कि सबका मतलब कि जो है वो टॉपिक डिफरेंट है, एक्सरसाइज डिफरेंट है, तो कैसे डील करेंगे? तो हम बेसिकली डील ऐसे करेंगे लेट को जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो पिंडी और फेडरल दोनों को सेम है। अब फर्क कहां पे आता है? फर्क आ जाता है कि जो फेडरल की है वो एक्सरसाइज डिफरेंट है और पिंडी बोर्ड की एक्सरसाइज डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि एक हम प्लेलिस्ट बना लेंगे पिंडी बोर्ड की और एक फेडरल बोर्ड की। तो अब जो एक्सरसाइज होंगे मतलब कि जो टॉपिक सेम होंगे वो दोनों प्लेलिस्ट में मतलब कि उसकी प्लेलिस्ट में ना इसकी प्लेलिस्ट में ना डाल देंगे। जो उसकी एक्सरसाइज होगी वो हम इसमें डाल देंगे, जो उसकी एक्सरसाइज होगी वो दूसरी में डाल देंगे। मतलब कि जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आ जाता है फिजिक्स। अब बेसिकली हम जो है सबसे पहले फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स होता क्या है? तो अब क्लास 11 फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो अब जो हमने बेसिकली जो चीजें हमने 9th और 10th हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने 9th में पढ़ी थी वो ज्यादा रिलेट करती हैं फर्स्ट ईयर के साथ, और जो हम 10 में पढ़ते हैं ज्यादा रिलेट करते हैं सेकंड ईयर के साथ। तो जो हमने 9 में जितनी भी चीजें पढ़ी थी लेट्स सपोज मतलब कि बेसिक से लेके अब वो हमने बेसिक पढ़ी थी, तो फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1 की बात की तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आता है कि मेजरमेंट। तो अब पहला चैप्टर मेजरमेंट के बारे में, तो हम अपने स्लाइड पर फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और इसका स्कोप क्या होता है? लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हाउ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इंटरेक्ट। अब मतलब कि जब भी हम बात करते हैं ना फिजिक्स, तो फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स एक ऐसी चीज के बारे एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब व्हाट इज मैटर? बेसिकली मैटर किस चीज को बोलते हैं उसको देख लेते हैं। मैटर anything that occupies space, यानी मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? यानी ऐसी कोई भी चीज जो अपना वजन कवर करती हो। लेट्स सपोज मेरे पास पेन है, जब इसमें हाथ रख रहा हूं तो कुछ न कुछ मतलब की जगह घेर रहा है। तो दुनिया में मौजूद ऐसी कोई भी चीज जो कुछ ना कुछ वजन मतलब के कवर कर रही होती है। लेट्स सपोज एक छोटी सी चुंटी की बात करें तो वो भी स्पेस कवर कर रही होती है। तो बेसिकली क्या जाती है? मैटर। तो हम फिजिक्स में क्या चीज है कि हम जो है बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ते हैं और वो जो मैटर में चीजें वो कैसे यूनिवर्स मतलब के वर्ल्ड में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही है। और ये हो गया। उसके बाद हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं बेसिकली? अब द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ फिजिक्स इंक्लूड। अब मैटर में क्या क्या चीजें आ रही है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स सपोज मैकेनिक्स की बात कीजिए, एक छोटा स्क्रू से लेके एक बड़े हेलीकॉप्टर तक और सारे के सारे मैकेनिक्स में आते हैं। अब उसके बाद हीट में टेंपरेचर का डिफरेंस कि टेंपरेचर कभी हॉट होता है कभी कोल्ड होता है, उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लाइट मीन जो हमारे पास ऑप्टिकल लाइट होगी, लेंस होगी, लेजर होगी, वो सारे के सारे लाइट में पढ़ते हैं। रेडिएशन तीन किस्म की रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन में जो हमारे पास एटम बम न्यूक्लियर फ्यूजन में आती है वो हम पढ़ते हैं रेडिएशन में। उसके बाद है साउंड। हमारे पास जो मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज इसकी इको डिफरेंट कैसी होती है? जो कुछ लोगों के मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके सुनने की कुव्वत बहुत ज्यादा होती है, जिससे बंदा ओल्ड होता रहता है तो उसकी सुनने की कुव्वत कम होती रहती है, और जब बंदा कोई छोटा होता है उसकी सुनने की कुव्वत ज्यादा होती है। ये हम बेसिकली पढ़ेंगे साउंड में। इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं हमारे पास के करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट कैसे फ्लो करता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें ज्यादातर आ जाती है हमारे पास, क्या कहते हैं उसमें जितने भी हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल की केमिस्ट्री के, उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, हाफ रेडिएशन, अल्फा बीटा, ये सारे सारे आइटम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप सबसे पहले लिखा होगा कि डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हम जो अगर सिंपल वर्डिंग में बताया जाएगा तो डेफिनेशन होगी कि द डील विद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी जो डील कर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की हाउ दे इंटरेक्ट विद यूनिवर्स, कि वो कैसे यूनिवर्स से इंटरेक्ट करें। उसके बाद हमने जो है कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया जिसमें मैकेनिक्स, हीट, लाइट, रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कुछ एप्लीकेशन को डील किया। इसके अलावा डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन है। अब ये बेसिकली हमने कवर किया डेफिनेशन के बारे में। अब स्कोप कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मतलब ये क्वेश्चन है कि आपके जहन में आ रहा होगा कि डेफिनेशन यूज हो गई है। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स के फिजिक्स मतलब कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, तो वो आपको करना चाहिए। जैसे स्कोप की बात की जा रही है तो हमारी मतलब कि डेली लाइफ में जितनी भी चीजें बेशक हम फिजिक्स को पढ़ें या ना पढ़ें वो उसमें आ रही होती हैं। कैसे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आल्सो इन्वॉल्व है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि जब मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, तो बेसिकली फिजिक्स में आ गया। उसके बाद लेट्स सपोज नेक्स्ट चीज आ जाती थी कुकिंग गैजेट्स, मतलब घर में पकाने वाली जितनी चीजें होती हैं। जब मैं कुक करता हूँ तो कुक करने का टेम्परेचर ज्यादा और होता है या कम और होता है, तो वो किसमें रहता है, वो भी फिजिक्स में रहता है। उसके बाद मैं बात करूँ खेलने की, कूदने की, लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी फिजिक्स है। कैसे, मैं अब मतलब कि एक तो कर रहा हूँ वर्णन कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, ये वर्ड ऑन हो रहा है, और दूसरी अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा हूँ, ये भी फिजिक्स में आ गया। उसके बाद मतलब कि जितनी भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल मतलब कि जितने भी हम काम करते हैं उन सब के अंदर फिजिक्स आ रहा होता है। लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि मैं यहां पे मूव कर रहा हूं, गाड़ियां गली में मूव करी हैं, मतलब कि पूरे सराउंडिंग में हर चीज मूव करी है, वो सारी फिजिक्स का डील करी है। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर एक ग्रेविटी है जो हर चीज को तरफ खींच के रखती है, तो आप उसने हर चीज को तरफ खींच के रखा हुआ है जिसकी वजह से हम उसके अंदर मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होते, स्पेस में उड़ रहे होते। उसके बाद आ जाती है कि मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप ये तो बेसिकली फिजिक्स हो गया। आप जो है वो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मतलब फिजिक्स उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही होती है। जैसे केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री के अंदर मतलब कोई चीज आके जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप टेम्परेचर आगे जाके बॉयल्स लॉ चार्ज में हम पढ़ते हैं, उसके बाद टाइम रिलेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है लेट्स सपोज मैथमेटिक्स, तो हम जैसे फिजिक्स में जो इक्वेशन यूज करे होते हैं उसी को मैथमेटिक्स में यूज करे होते हैं, या जो मैथमेटिकली हमारे पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होती है, लिमिट होती है, उनको आगे जाके हम फिजिक्स में डील करे होते हैं। उसके बाद और क्या चीजें होगी, लेट्स सपोज हम बायोलॉजी, आप बायोलॉजी में आप देखा जाए तो बायोलॉजी में जितने भी कंपोनेंट है, जितनी भी मशीनें हैं, हैवी सीटी स्कैन होगी, एमआरआई होगी, ये सारी की सारी मतलब के बनने किसकी रेफरेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, और उसको हम यूज करते हैं इन बायोलॉजी। तो यानी फिजिक्स को अगर हम इग्नोर कर दें तो हम समझें कि हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी मतलब कि हम एक एक चीज जो फिजिक्स की इंटरेक्ट कर रही है। उसके अलावा फिजिक्स की बात की जाए तो हमारे पास मतलब कि जो लेट्स सपोज हम देखा जाए तो हमारी सराउंडिंग में जितनी चीजें वो तो फिजिक्स में आ रही हैं। उसके अलावा हम अपना देखा जाए तो 20वीं सेंचुरी में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, अब 20वीं सेंचुरी मतलब क्या है कि 1900 से लेके 2000 तक जितनी भी एडवांसमेंट होती है, लेट्स सपोज लेजर आया, टेलीविजन आई है, ठीक है, कार्स आई है, हेलीकॉप्टर आए, मतलब कि एरोप्लेन है, ये सारे के सारे मतलब कि पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। जो सबसे पहले मतलब कि एक मुसलमान साइंटिस्ट था जिसका नाम था, जिसने स्क्रू डिस्कवर किया था। अब स्क्रू मतलब कि अब देखे जाए ना तो स्क्रू की आजकल के दौर में हमारे कोई अहमियत नहीं है, तो स्क्रू इज अ मैन ब्रांड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? अगर एक स्क्रू नहीं होगा, नेट नहीं होगा, तो कोई चीज आपस में जुड़ मतलब कि कंबाइन होकर आ ही नहीं सकती, तो वर्क कैसे करेगी। उसके अलावा अगर हम मतलब कि डेली लाइफ में जितनी हम मतलब कि अपने घरों में जितनी चीजें यूज करते हैं सारी की सारी फिजिक्स में आ जाती है। टेलीविजन, रेडियो, उसके बाद स्मार्ट वॉच, फोन। अब मैं फोन की बात कर लूँ, अब फोन के अंदर एक होती है पीसीबी जिसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो पॉसिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। उसके अंदर डिफरेंट आईसी लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। जो आगे आप BS लेवल में या इसके चैप्टर सेकंड ईयर के चैप्टर में जाके पढ़ोगे, वो सारे के सारे बेसिकली पॉसिबल हैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट से। तो आप देखा जाए तो जितना भी हमारी डेली लाइफ जितनी भी एग्जांपल है डेली लाइफ ईच एंड एवरीथिंग का ये फिजिक्स के स्कोप में। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स एज वेल एज स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो कि मैंने आपको बड़ी आसान वर्डिंग में से समझा दी है। उसके बाद इंशाअल्लाह मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था वो था डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हमारा है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, उसको हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हमने वीडियो इसी वीडियो में डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको हमने कहा था कि मतलब कि मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है, इसमें से अगर आपको कोई छोटी सी भी क्वेरी है, लेट्स सपोज आपको कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मतलब कि कमेंट कर दें, या अभी हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर वो भी नहीं होता तो आप फेसबुक पेज पे चले जाए एस्पायरेंट के नाम से, वहाँ पे जाके मैसेज मतलब लीव कर दें, तो इंशाल्लाह आपको उसका हर हाल में हम जवाब देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में चले गए थे, तो उसको हम टॉपिक के रेलिवेंट और अगर कोई मतलब छोटी मोटी सराउंडिंग से एग्जांपल हो डिटेल में उसको भी डील करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका डील करेंगे। तो पहली वीडियो में हमने डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स को अंडरस्टैंड किया, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप मेरे को सबको समझ आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना डन के मतलब लिख के सेंड करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी, हम नेक्स्ट वीडियो से भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर उसके अलावा अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि हम इसके बाद जो है डेली बेस पे जो है वो डिफरेंट टॉपिक की वीडियो बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि पूरी फिजिक्स की बुक को कवर करें, मतलब कि पहले एक चैप्टर कवर करेंगे, फिर उसकी फिर इसका कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।